मेडिटेशन एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में, जहाँ पे हम हमारे इनर पावर का कनेक्शन फील कर पाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर योगिनी रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं आप सभी का इस मेडिटेशन जर्नी में स्वागत करती हूँ। आप ये जो मेडिटेशन जर्नी हमारे साथ मिलके जो शुरू कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके साथ कुछ पहले शेयरिंग करना चाहूँगी। बहुत बार आपके माइंड में मेडिटेशन को लेके कुछ मिथ होंगे, आपने कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे या कभी कुछ पढ़ा होगा, बट मैं चाहती हूँ कि इस मेडिटेशन जर्नी को जब आप शुरू करें, उसके पहले आप मेरे ये वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज इस वीडियो को अच्छा समझना आपके जो बाद में मेडिटेशन जर्नी का एक प्रैक्टिकल जब जर्नी स्टार्ट होगा, उसमें आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत बार मेडिटेशन में हमें ये लगता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठे, तब हम बिल्कुल भी विचारों के बिना, कुछ भी थॉट आए बिना, किसी कन्फ्यूजन के बिना बैठेंगे तो हमारा मेडिटेशन सक्सेसफुल होगा। बट मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हमारा जो हार्ट चक्र है, उसका फंक्शन क्या है, यानी हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है, धड़कना। और वो जब धड़कता है तब हमें पता है उसका मीनिंग क्या है, कि हम लाइव है, हम जिंदा है। बट कभी हमारे ब्रेन के बारे में आपने सोचा है, उसका काम क्या है, सोचना। तो हम जब सोच रहे हैं, इसका मतलब हमारा ब्रेन काम कर रहा है। और हम इस मेडिटेशन जर्नी में शायद ये जिद लेंगे या ये ऐसा मिथ बना देंगे कि जब तक हम विचारों से परे ना उठे, विचार हमारे बंद ना हो, तब तक वो पोजीशंस फील नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको उस विचारों के साथ ही रिलैक्स होके आपके मेडिटेशन को शुरुआत करनी है। आगे आगे जब आप इस जर्नी में बढ़ोगे तो होगा क्या, आपके जो थॉट है और आपका जो मेडिटेशन जर्नी का एक्सपीरियंस है ना, इसमें एक धीरे धीरे गैप बनना शुरू हो जाएगा। और आप धीरे धीरे ऐसा फील करोगे कि हाँ, अभी मैं वो एनर्जी के साथ अच्छा कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपके साथ शेयरिंग की कि ऐसे कोई भी चीज़ के साथ सोच के नहीं बैठना है कि आज तो मेरे थॉट ही बंद नहीं हुए थे, मैं मेडिटेशन कैसे करूँ। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज आप जिस जर्नी का पार्ट बनने जा रहे हो ना, ये जर्नी आपको आपके इनर पावर के साथ एक्सपीरियंस देने वाली है। और ये इनर पावर हम सिर्फ एक स्पिरिचुअल अकॉर्डिंग ही नहीं देख रहे हैं, हम इस इनर पावर का जो पावर है हमारे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली मेंबर्स में, हमारे बिजनेस में, जॉब में कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब के लिए हम ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मेरा दूसरा आइडिया शेयरिंग, जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठो, ध्यान रखना कि आपका पेट बहुत भरा हुआ ना हो, यानी बहुत सारा खाना खा लिया है, बहुत पानी पी लिया है और आप तुरंत बैठ रहे हो, ऐसा ना हो। पेट थोड़ा सा आपका खाली होना चाहिए, यू फील वेरी यू नो रिलैक्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और एक शेयरिंग, कि आप हो सके तब तक मॉर्निंग के टाइम में इस मेडिटेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करो, बिकॉज मॉर्निंग में जो एक ऑरा होता है, जो सराउंडिंग होता है, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, जहाँ पे हम ये कनेक्शन बहुत ईजीली फील कर पाते हैं। अभी बात आती है कि हम कौन से पोजिशन में बैठे। आपकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आप ओवर वेट हो, ज़्यादा यू नो अच्छे से पैर फोल्ड करके नहीं बैठ पाओगे, तो आपने पहले कंफर्टेबल पोजीशन देखनी चाहिए। यू कैन सिट ऑन चेयर, यू कैन सिट ऑन यू नो सोफा सेट, जो भी पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल है। कुछ दिन इस एक्सपीरियंस को पाने के लिए आपका ध्यान पहले आपके बॉडी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबलनेस पे होना चाहिए। ध्यान रखना है कि बस जैसे आप चेयर पे बैठे हो या कभी सोफा पे बैठे हो, आपको पैरों को या हाथों को बस क्रॉस नहीं करना। मेडिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझते हैं, वो है हमारी ब्रीदिंग सिस्टम। आपको हर एक मेडिटेशन के पहले आपको आपकी ब्रीदिंग को कंफर्टेबल रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कॉमन थिंग्स में अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके बाद इसको आप आपके मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ कनेक्ट करोगे।
पहले तो आपको आपका पूरा ध्यान आपके ब्रीदिंग पे लाना है, आपका जो सांसों का आवन जावन है उस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। यानी कैसे, तो पहले 2-3 बार आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपका जो ब्रीदिंग है वो नाक से लेके आपके नाभि तक यानी नेवल तक जा रहा है। तो हमने उसकी हाइट को देखा, आपने देखा कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से ऊपर आ रहा है। ऐसी चीज़ आप 2-3 बार महसूस करिए। धीरे धीरे आपको इस हाइट को ना कम करते हुए आना, यानी दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे कि ये जो आपका सांसों का आवन जावन है ये आपके नाक से लेके पेट तक आया, पेट से ऊपर, फिर से पेट तक, उसके बाद नाक से छाती तक, छाती से ऊपर, उसके बाद नाक से गले तक, गले से ऊपर, और लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, बस आपका जो सांसों का आवन जावन है यहाँ से एक आया यहाँ तक, यहाँ से ऊपर, इतनी छोटी लंबाई तक आपको उसको मैनेज करना है। और उसके बाद टेक वेरी नॉर्मल ब्रीदिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो। होगा क्या, इस प्रोसेस के दौरान आप वो एक एनर्जी फील करोगे जो हमें मेडिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेक्निक आप हर एक मेडिटेशन के पहले खुद कर लेना। रीज़न, क्योंकि जब आप मेरे ऑडियो के साथ कनेक्ट होंगे तो आप उस विजुअलाइजेशन के साथ उसको स्टार्ट करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसके बाद वाली जो पूरी मेडिटेशन की सीरीज़ है जो एक ऑडियो फॉर्म में आपके साथ आएगी, तो एक ध्यान रखना कि आप इस सीरीज़ को हेडफोन या आपके ईयरफोन जो है उसका इस्तेमाल करके यूज करोगे, तो आप वो साउंड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। बिकॉज बहुत सारे मेडिटेशन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, उसका भी एक साइंटिफिक बेस है। आप जितना अच्छे से उसको फील करोगे, उसके साथ विजुअलाइज करोगे, उतना ही हमारा मेडिटेशन बहुत परफेक्ट होगा। जैसे मैं विजुअलाइजेशन के लिए एक शेयरिंग करना चाहूँगी, आप हर कोई चाहता है ना कि मैं तो मेडिटेशन करना चाहता हूँ बट मेरे से होता नहीं है, या कुछ दिन के बाद ना मैं उसको करना पसंद नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है पता है, कि हम उस मेडिटेशन को वही रिदम में करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ द मेडिटेशन, इसको आप अपना बनाइए। जैसे मेरे वॉइस के साथ आप कनेक्ट रहोगे तो आपको आपके विजुअलाइजेशन के साथ उस स्टेप को, उस जर्नी को ना विजुअलाइज करना है। तो वो जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है ना, और आप जो एनर्जी ले रहे हो, इसको ना आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, और वो रियलिटी के साथ मैच होगी। जो विजुअलाइजेशन किया है उसको आप कंप्लीट होता हुआ जब देखोगे ना, तो आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप हर एक मेडिटेशन के साथ जितना हो सके उतना डीपली विजुअलाइज करिए, चीजों को आंखों के सामने कंप्लीट होते हुए देखिए। भले फिर वो मेडिटेशन रिलेशन के लिए हो, गोल सेटिंग के लिए हो, खुद के बैलेंसिंग के लिए हो, या वो पैसों के लिए हो, हर एक मेडिटेशन का बेस सेम है कि उसे अपना बनाइए, उसको यूनिक बनाइए। और मैं जो स्टेप दे रही हूँ उसके साथ आप आपका ओन विजुअलाइजेशन करिए। देर इज नो लिमिटेशन, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि यही विजुअलाइज करना चाहिए। तो प्लीज़ ये जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है कि मेडिटेशन ये आपका एक यूनिक स्टाइल है, विजुअलाइजेशन जो है आपको आपके अकॉर्डिंग करना है, आपको पता है कि आप में कितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब ये मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपको एक मेडिटेशन के लिए मिनिमम 21 डेज की प्रैक्टिस देनी ही देनी है। जैसे इस सीरीज में कंप्लीट 5 मेडिटेशंस है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले देख लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी किस मेडिटेशन से है, और उसके अकॉर्डिंग उसको आप शुरू करिए। बट एक दिन का भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एंड वो मिनिमम 21 डेज की जर्नी होनी चाहिए। आपको लगता है 5 में से मुझे 2 तो मेडिटेशन करने ही है, तो आप एक मॉर्निंग एंड इवनिंग वाला, बट 2 के अलावा एग्जैक्ट आप और मेडिटेशन के एक साथ स्टार्टिंग ना करें। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि उसके एक्सपीरियंस के लिए ना आपको उसको कंटिन्यूसली 21 डेज करना है। आपको मेडिटेशन में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं आप हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हो, और इस सीरीज को आपको विन विन बनाने के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो तो उसका सराउंडिंग देख लो, टाइमिंग देख लो, आप एक ऐसे माहौल को अच्छे से चुन लो जहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होगा, एंड कनेक्ट विद दैट। एंड आई एम टेलिंग लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट,
जब भी आप ये मेडिटेशन जर्नी को अपना बना रहे हो ना, तो आपको आपकी लाइफ प्रैक्टिस में कुछ चीज़ अपनानी है, और वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, इस एनर्जी को जब आप खुद में लोगे तो उसको दूसरों के साथ शेयर करना सीखे, उसको हैप्पीनेस में टर्न करना सीखे, उसके साथ एक्शन प्लान बढ़ाना सीखे, तो हम इस जर्नी का बहुत परफेक्टली अच्छे से बैलेंसिंग कर पाएंगे। इस मेडिटेशन जर्नी के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।